जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोस और वही सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में लिखें, और हमेशा मुस्कुराते रहे। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी राशि के लिए दुखी क्यों होते हैं हम। हर व्यक्ति ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, लेकिन दुख उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, या दुख जैसे माहौल हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से सब कुछ ख़राब हो गया। ये जो सिचुएशन है, देखिए, यहाँ पर सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख, और दुख तो सुख। तो हमारे माइंड को इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर लें कि सुख दुख ये हमारे केवल मन की उपज होती है। ये मन में इस भाव होता है, जो वास्तविकता यहाँ है, हमें जीना है। जितने जितनी हमारी उम्र है, उतना हमें जीना है यहाँ पर, और जीकर एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। पर हम यहाँ आने के बाद ये बेसिक चीज़ें भूल कर हम न जाने कौन सी दुनिया में, न जाने कौन से एक दृष्टांत में जीवन जीते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तो वास्तविकता में जीना है। दुखी होने का सबसे पहला और मुख्य कारण है, हम वास्तविकताओं से दूर रहेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। ईश्वर सत्य है, ईश्वर की हर बात सत्य है, और ईश्वर द्वारा यह दुनिया चलाई जा रही है, जिसे हम माने या ना माने। जब तक आपको ईश्वर पर यकीन नहीं होगा, तब तक सुख और दुख के दोनों के जो एक फेर है, उस फेर में आप उलझे रहोगे। चाहे आपके पास सुख हो दुख हो, हमारा काम है लोगों की मदद करना, हमारा काम है ईश्वर का नाम लेना, हमारा काम है हमारा कर्म करना। फल देना उसके हाथ में, और फल वही देता है, ईश्वर ही फल प्रदान हमें करते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छा होगा। हम हमेशा उन चीज़ों की ओर ज़्यादा बातें करते हैं, हम हमेशा उन चीज़ों की ओर ज़्यादा अट्रैक्शन हमारा होता है, जो वास्तविकताओं से कहीं दूरी, जिस जो वास्तविकता से कहीं दूर होती है। जो डर होता ही नहीं है, उस डर को हम मन में लेकर बैठ जाते हैं। जो चीज़ घटित होने वाली नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं। आपके बारे में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हम हमारे मन को ये बात समझाने में असफल हमेशा होते हैं। तो मन को समझाए, दिमाग को समझाए, और विचार जो है वो हमेशा सकारात्मक सोचें। क्योंकि जब तक आप सकारात्मक नहीं सोचेंगे, मुझे नहीं लगता कि दोस्तों आप कुछ बड़ी उपलब्धि तक पहुंच पाएंगे, या मुझे नहीं लगता कि कुछ विशिष्ट चीज़ आप प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि सकारात्मकता में वो जादू है, वो शक्ति है, वो मैजिक है, जिसकी ना हम कल्पना कर सकते हैं, जिसके बारे में हम ना सोच सकते हैं। इसलिए आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ें एक अलग है, लेकिन ये दुनिया केवल और केवल नेगेटिविटी का धंधा है। धंधा जितने भी है वो डर के धंधे हैं। आपको हर चीज़ से डर है, तो उस डर को अपने मन से बाहर निकाल दें, फिर आप जीवन जिए, आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा, उत्साह होगा। क्योंकि आपके पास अच्छा व्यवहार है, आपके पास वाणी के कौशल है, आप मिलनसार हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप किसी का अहित कभी नहीं चाहते हैं, और आप हमेशा दूरदर्शी हैं। तो आपके पास इतनी सारी क्वालिटी हैं, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बावजूद भी आप इस तरह का सोचेंगे तो ये आपके लिए दिक्कत दे। और दुख का सबसे बड़ा मेन कारण जो मैंने आपसे शेयर किया, यही है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, मुस्कुराते रहें। और दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी ये ज़रूर बताएं, और जानकारी बताने के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और हमेशा मुस्कुराते रहें। बस यही मेरी दुआ है आपके लिए। तो दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।